गुड मॉर्निंग। 11th क्लास बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कार्बनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो हमें लिविंग टिश्यूज से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी प्लांट मटेरियल को हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्रश करके और फिर उसको फिल्टर करें तो जो फिल्ट्रेट प्राप्त होता है वो तो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन हो गया, जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह आयन मिनरल्स एंड आयन्स आ जाएंगे, और जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है या जो रिटेंटेट है उनके अंदर जो है एसिड इनसॉल्युबल जो है मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बायो मॉलिक्यूल्स के कल मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, ऑल दीज आर द बायो मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों आज मैं आपको वैसे आपके डीएनए की स्ट्रक्चर को आप 12th में दोबारा रीड करेंगे, दोबारा स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्योंकि कई सारे टॉपिक फिर समझने में आसानी रहेगी। तो मैं अभी डीएनए की स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो डीएनए है वो 3 कॉम्पोनेंट्स के मिलने से बनता है। तो मैं कॉम्पोनेंट्स को अगेन लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए, बेटा डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैं कंपोनेंट्स एक बार फिर से लिख देता हूं। फर्स्ट कंपोनेंट है डीऑक्सीराइबोज सुगर, डीऑक्सीराइबोज सुगर। ठीक है बेटा, सेकेंड हम लेते हैं नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं नाइट्रोजन जो बेस है ये भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये 2 टाइप्स के हैं, प्यूरीन ए एडिनिन, एडिनिन को ए से शो करते हैं, एंड बी ग्वानिन, इसको जी से शो करते हैं, और सेकंड लेते हैं हम पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन में जो है ए है थाइमीन, ठीक है, थाइमीन को ए से शो करते हैं, और बी है साइटोसिन, इसको हम सी से शो करते हैं। तो मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ जिससे क्या कई सारे टॉपिक्स आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो यहां पर थर्ड लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, PO4। वैसे अभी नेक्स्ट क्लास में आपके जो है जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें डीएनए की स्ट्रक्चर को और पढ़ेंगे अपन। तो डीएनए की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, आप भी देखिए।
एक और बच्चों खाली डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है 12th क्लास, इसमें आप थोड़ा और बेटर वे में कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों ये डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और ये जो मॉडल है डीएनए का, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, ठीक है। और इसके अंदर जो धागे हैं, ये डीएनए के जो दो धागे हैं, इनके अंदर एक्चुअल इनके अंदर ये धागे बने होते हैं सुगर एंड फॉस्फेट के। डीएनए के ये जो धागे हैं ये किसके बने होते हैं बच्चों, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, ठीक है। अब ये शुगर में कौन सी बॉन्ड होती है, क्या होती है, ये सब अपन जेनेटिक्स का जब चैप्टर करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, 12th क्लास में। अभी एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि जो धागे हैं ये शुगर एंड फॉस्फेट के बने होते हैं, क्लियर होगी बात। और अंदर की ओर नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो बच्चों एक प्यूरिन जो होता है, एक प्यूरिन एक पाइरिमिडिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जो एडिनिन है बच्चों वो हमेशा थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है ये साइटोसिन के साथ में डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों डीएनए के दोनों धागों के बीच में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, बेस पेयरिंग पाई जाती है एडिनिन थायमिन के साथ में एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ में, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनके जो दोनों धागे हैं, दोनों जो थ्रेड्स हैं वो आपस में बंधे रहते हैं, आपस में बॉन्डेड रहते हैं, क्लियर होगी बात आपके। तो जो मिड सेंट्रल पार्ट है ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स का बना होता है, और जो धागे हैं जो स्ट्रैंड है ये सुगर एंड फॉस्फेट के बने होते हैं। जो डीएनए का डायमीटर है बच्चों ये 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर होता है। और एक जो कॉइल है, एक जो कॉइल है, ठीक है ना, ये इसकी जो लेंथ होती है ये लगभग 34 एंगस्ट्रॉम या 3.54 नैनोमीटर होती है, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर कह सकते हैं। और एक कॉइल के अंदर, इस डीएनए की एक कॉइल के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, यानी कि दो बेस पेयर की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम आती है या 0.34 नैनोमीटर आती है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके की डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। डीएनए के एक धागे में 3' to 5' वाले धागे के अंदर एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जो सेकंड जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो उसको कवर अप करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। बच्चों डीएनए इज द मास्टर कॉपी ऑफ द सेल, जो कि क्रोमोसोम को, जीन को बनाता है। यहां से जो इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए के फॉर्मेशन में ट्रांसमिट होती है, आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, और आरएनए से आरएनए निकल के आ जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस से कहां जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स के ऊपर, क्लियर होगी बात आपके। तो इस तरीके से डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है आरएनए में, आरएनए से आती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो बच्चों एक आइडिया मैंने दे दिया कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो डीएनए में इतना ही करेंगे, और डिटेल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो 12th क्लास है। अच्छा एक चीज और बच्चों, सुगर जो होती है, डीऑक्सी राइबोज जो सुगर है उसके उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस लिंक होती है, बॉन्ड बनाती है, ठीक है ना। और जो जो थर्ड या फिफ्थ कार्बन है वहां से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। तो जब जब डीऑक्सी राइबोज सुगर एंड नाइट्रोजन बेस ये जुड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं बेटा, हम इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मैं लिख के बता देता हूं, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, मान लो एडिनिन है, एक कोई भी एक नाइट्रोजन बेस है फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, तो इससे क्या बनता है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अच्छा इस न्यूक्लियोसाइड में
न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है इससे तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट जुड़ जाता है फिफ्थ कार्बन से या थर्ड कार्बन से तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। एंड डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। एक चीज और बच्चों, जैसे मान लो ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है ना, तो इसमें एडिनिन जुड़ गया या फिर साइटोसिन जुड़ गया या फिर ग्वानिन या थाइमिन जुड़ गया, तो उसके बेसिस पर इनका आगे नेम होता है, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, मान लो एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड, अगर थाइमिन है तो थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है ना, साइटोसिन है तो साइटिडाइलिक एसिड, तो इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। चलो बच्चों, मैं आरएनए के बारे में भी बता देता हूं आपको, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों आरएनए राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बच्चों सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है। आरएनए क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसमें जो राइबोज सुगर होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर सेकेंड कार्बन पर सुगर के ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, यहाँ पर कंप्लीट राइबोज सुगर होती है, इसलिए इसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये भी थ्री कॉम्पोनेंट्स के मिलने से बनता है। आरएनए भी किससे बनता है, थ्री कॉम्पोनेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है बेटा। तो इसमें फर्स्ट कॉम्पोनेंट है राइबोज सुगर, राइबोज सुगर, ये बच्चों फाइव कार्बन सुगर है। ये जो राइबोज सुगर है ये क्या है, फाइव कार्बन शुगर है, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं नाइट्रोजन बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस, इसमें प्यूरीन, प्यूरीन यहां पर दो है, एक तो है एडिनिन, ठीक है, और बी है ग्वानिन। एडिनिन को ए से शो करेंगे, ग्वानिन को जी से शो करेंगे, और फिर है पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन में ए हम करेंगे यूरेसिल, और बी है साइटोसिन। अब यहां पर बच्चों डिफरेंस क्या है कि जो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। इलेवंथ क्लास, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और आरएनए के अंदर थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो राइबोज शुगर होती है, फाइव कार्बन शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस यहां पर प्यूरीन एडिनिन एंड ग्वानिन, दो प्यूरीन पाए जाते हैं। पाइरिमिडीन में डिफरेंस ये है कि थाइमिन नहीं होता, आरएनए के अंदर थाइमिन जो नाइट्रोजन बेस है वो नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, ठीक है, और साइटोसिन होता है, साइटोसिन। तो यूरेसिल को बच्चों यू से शो करते हैं, यूरेसिल को यू से शो करते हैं, और साइटोसिन को हम सी से शो करते हैं। और थर्ड जो कॉम्पोनेंट है वो है फॉस्फेट ग्रुप। क्या है बेटा, वो है फॉस्फेट ग्रुप, ओके, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा, एडिनिन यूरेसिल के साथ में और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आरएनए का जो धागा होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम, ये
ये बच्चों न्यूक्लिक एसिड का पार्ट पूरा हो गया, ये क्या हो गया न्यूक्लिक एसिड का पार्ट पूरा हो गया, साथ ही साथ के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये बच्चों हेटरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड की, ठीक है ना। तो ये हेटरोसाइक्लिक चेन होती है, रिंग्स होती है, सॉरी हेटरोसाइक्लिक रिंग है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब हम लेते हैं, जल्दी से स्टडी करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चों? जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी सेल के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर लाइफ सस्टेनिंग जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो उनसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, सिंपलर वन का फॉर्मेशन होता है, और जो सिंपलर वन मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वापस से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं लाइफ के लिए, बॉडी के लिए, उनका फॉर्मेशन होता है। तो मेटाबॉलिज्म इज द लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस ऑफ द लिविंग बींग्स, ठीक है बेटा। और कई बार क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स क्या है? द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर द मेटाबोलाइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये मेटाबोलाइट्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फर्स्ट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है बेटा। अब ये क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जिनके फंक्शंस नॉन है, मतलब ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनके फंक्शंस नॉन है, पता है कि इनके ये फंक्शन होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। सेकेंड लेते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उन्हें कहते हैं जिनके फंक्शन अननोन है, ध्यान नहीं है क्या फंक्शन है उनके, लेकिन वो बनते जरूर हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स हैं, फ्लेविन है, कैरोटीनॉइड्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना, टैनिन है, रेजिन है, तो ये सब प्लांट्स के अंदर बनते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिनके फंक्शन पता नहीं है कि वो क्यों बनते हैं, रबड़ वगैरह है तो इस तरीके से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैक्रो मॉलिक्यूल बच्चों मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? बच्चों ऐसे बायो मॉलिक्यूल जिनका वेट 1000 डाल्टन या उससे ज्यादा है। समझ में आ गई बात आपके? दोबारा सुन लीजिए कि ऐसे बायो मॉलिक्यूल जिनका वेट 1000 डाल्टन या उससे ज्यादा है, तो उन्हें 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो ये सब क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इवन जो लिपिड है, लिपिड का जो वेट है वो 800 डाल्टन होता है। कितना होता है? 800 डाल्टन। लेकिन फिर भी वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है वो हटा दो और जो रिटेंटेड बच गया एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, तो उनके अंदर लिपिड पाया जाता है। उनके अंदर क्या होता है? लिपिड पाया जाता है। क्लियर हो गई बात?
तो इसलिए लिपिड को भी हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स ही कहते हैं। लिपिड को भी हम किस में काउंट करते हैं बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी, मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही काउंट करते हैं। तो बाकी जो मॉलिक्यूल है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ गए। दोबारा सुन लीजिए, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स, दोज बायोमोलिक्यूल्स विच हैव द वेट 1000 डाल्टन और मोर देन 1000 डाल्टन, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। वे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह। लिपिड क्यों है मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसके अंदर लिपिड रहता है रिटेंटेट के रूप में, तो इसलिए लिपिड को भी हम किसमें, मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही इंक्लूड करते हैं। क्लियर होगी बात बेटा। चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपको बुक से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। दो नंबर का वेटेज है इसका, और आगे आप जो स्ट्रक्चर्स हैं वो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इनकी। तो बायोमोलिक्यूल को हम बुक से, बुक जितना ही तैयार करना है आपको, बुक से तैयारी करनी है। डीएनए वगैरह को आप जेनेटिक चैप्टर में और अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ 9th चैप्टर जो है आपको बुक से तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की। बच्चों प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है, तो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, और दो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैं एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं आपको। ये बच्चों एक एमिनो एसिड है और ये भी एक एमिनो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, और ये एमीन ग्रुप है, ठीक है। अब जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये जो है ना बच्चों, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। और अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एक एमिनो एसिड है, ये भी एक एमिनो एसिड है। यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, यहां से OH ग्रुप निकल गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CO और NH के बीच में यहां बॉन्ड बन गई, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या कहलाती है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाती है, और प्रोटीन को इसीलिए हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है बेटा। टोटल 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। 10 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उन्हें हम नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, और जो 10 एमिनो एसिड्स हैं वो हमें बाहर से प्राप्त होते हैं, फूड से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। कई सारे एमिनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, वैलिन, सेरीन, ट्रिप्टोफान, तो ये सब जो है एमिनो एसिड्स की रेंज है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों प्रोटीन कई टाइप की स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो मैं आपको 4 स्ट्रक्चर्स, आप एक बार ये देख लीजिए इमेज, ठीक है। चलिए, अपन कर रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर।
टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें बच्चों फोर स्ट्रक्चर्स है, मैं जल्दी से बना के बता देता हूं। प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं सेकेंडरी, सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ये, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की चेन की, वो लीनियर होती है बच्चों, वो क्या होती है, लीनियर होती है ना, सिंपल चेन के फॉर्म में होती है। ये देखिए बच्चों, तो इसका जो पहला एमिनो एसिड होता है उसे हम कहते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल एमिनो एसिड, एन टर्मिनल एमिनो एसिड, और इसे लास्ट एमिनो एसिड को कहते हैं सी टर्मिनल एमिनो एसिड, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो एक सिंगल चेन के रूप में होती है, लीनियज होती है, ठीक है ना। तो पहले एमिनो एसिड को कहते हैं एन टर्मिनल एमिनो एसिड और लास्ट को कहते हैं सी टर्मिनल एमिनो एसिड, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की, वो कुछ इस तरीके से होती है, कॉइल्ड होती है। ये देखिए बच्चे, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, मैं एमिनो एसिड के लिए ये रिंग सी बना के छोड़ रहा हूं, जिससे क्या है समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है बेटा, इस तरीके से है ना। 7 मिनट्स हैं, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, थर्ड लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो वूलन बॉल के रूप में होती है, टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो एक वूलन बॉल के फॉर्म में नजर आती है। इस तरीके से ये बच्चों, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, इसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये वूलन बॉल के फॉर्म में होती है, वूलन बॉल के जैसे होती है। और नेक्स्ट लेते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर दो प्रोटीन की जो चेन है, जो कॉइल्ड चेन होती है, वो एक दूसरे के साथ रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है बच्चों, जिसमें दो हीमोग्लोबिन की टोटल 4 चेन्स होती है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से, तो यहां पर बच्चों दो चेन है जो एक दूसरे के साथ है, इसे हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेम ऐसी स्ट्रक्चर आपको हीमोग्लोबिन की चेन्स में भी देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स पाई जाती है। तो बच्चों प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो एमिनो एसिड कैसे लगे हुए हैं उसके आधार पर 4 टाइप की होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। तो बच्चों रिमेनिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं कोई भी डाउट आए आप मेरे से पूछा करें आप, और अभी भी जिसको कुछ पूछना है आप हैंड रेज कर दीजिए।